गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुधाकर सर। टुडे आई टीच यू क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 इज मारिया इन्वेस्टेड रुपी 8000 इन अ बिजनेस। मारिया नाम की एक लड़की है जिसने बिजनेस में 8000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। वह जो है 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देती है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें बोलता है द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका अमाउंट कितना होगा। द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर, और तीसरे वर्ष के अंत में मतलब तीसरे वर्ष के लिए उसका इंटरेस्ट ब्याज कितना होगा, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, दूसरे वर्ष का अमाउंट कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। दूसरे वर्ष का अमाउंट, तीसरे वर्ष का ब्याज। तो क्वेश्चन देखिए आप, सारा नंबर क्वेश्चन है मारिया इन्वेस्टेड रुपी। मारिया नाम की एक लड़की है, मारिया इन्वेस्टेड, मारिया इन्वेस्टेड रुपी कितना रुपए इन्वेस्ट कर रही है आपको बताना। मारिया इन्वेस्टेड रुपी 8000 इन अ बिजनेस, रुपी 8000 इन अ बिजनेस। मारिया इन्वेस्टेड रुपी 8000 इन अ बिजनेस। मारिया ने 8000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट, सी वुड बी पेड इन्वेस्ट पेड इंटरेस्ट, सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। पर एनम फाइंड द डिफरेंस इज अमाउंट, फाइंड द डिफरेंस इज अमाउंट अमाउंट फाउंड द डिफरेंस इज अमाउंट सॉरी पर एनम। क्वेश्चन फिर है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 6 से कहा वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली तो फर्स्ट नंबर पे इस पे आपको क्या बोला है द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम, द अमाउंट क्रेडिट क्रेडिटेड, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम अगेंस्ट हर नेम द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर।
द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के अंत में उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा ये बताना है। सेकेंड नंबर पे आपका क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर मतलब तीसरे वर्ष के लिए ब्याज। सेकंड नंबर पे आपको ये नोटिफाई करना है। तो फर्स्ट नंबर पे मुझे क्या निकालना है, सेकंड ईयर के लिए अमाउंट, और बी नंबर क्वेश्चन में इसमें बोलता है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए। मारिया ने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया, कहां पे, बिजनेस पे इन्वेस्ट किया। तो उसको उसने 5% वर्ष की दर से क्या लिया था, इंटरेस्ट उसने 5% की दर से क्या किया, पे किया। तो उसने कंपाउंडेड एनुअली, तो द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट एज ए नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो आपको अमाउंट बताना था जो उसके क्रेडिट में बना सेकेंड ईयर में, और द इन्वेस्ट फॉर द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और तीसरे वर्ष के का ब्याज। तो ये दो चीजें निकालना है। तो पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, मारिया नाम की एक लड़की है, तो लिखेंगे मारिया इन्वेस्ट, मारिया इन्वेस्ट बिजनेस कितना रुपीज, 8,000 रुपीज। रेट क्या है, रेट को आपको मालूम है 5%। अब हम पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले नंबर पे क्या दिया है, द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम, द अमाउंट क्रेडिट, द अमाउंट क्रेडिट, द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम, अगेंस्ट हर नेम, अगेंस्ट हर नेम, द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो इसमें आपको टाइम भी मिल गया होगा। टाइम जो है आपका सेकेंड ईयर मतलब 2 वर्ष लिखा है। फिर आपका क्या लिखा है, अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब 2 वर्ष के अंत में आपको ब्याज यानी इसमें निकालना है। 2 वर्ष के अंत में अमाउंट कितना होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखे अमाउंट पहले निकालते हैं, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट इक्वल टू फार्मूला होता है पी इंटू 1 + R/100 की पावर n, n means number of time, time आपको यहाँ पे बताया है, second year मतलब 2 वर्ष। प्रिंसिपल आपका है 8,000 रुपीज इंटू 1 + रेट आपका कितना है 5/100 की पावर n, n कितना है 2 इयर्स है, 5 × 5 = 10, 20 मिल गया आपको। आप यहाँ पे लिखेंगे 8,000 इंटू 1 + 20 = 20, 21 अभी आप यहां पे 1/20 ही राइट कर ले का स्क्वायर इक्वल टू 8,000 इंटू 21 + 20, 21/20 का होल स्क्वायर यहां पे देखिए मिल गया।
तो आपको अमाउंट क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है 8000 × 21/20 × 21/20। इतना आपको मिला। जीरो से जीरो आपके कैंसल हो गए, जीरो से जीरो कैंसल हुआ। टू से करेंगे 2 4 जाए 40 आया, टू से करेंगे 2 2 जा 4 20 आया। अमाउंट आपको क्या मिला? 20 × 21 × 21 मल्टीप्लाई करिए आप 20 × 21 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 441 आएगा। देखेंगे जीरो है, राइट कर देंगे 2 1 जे 2 2 4 जे 8 2 4 जे 1। क्या मिला? 8820। ये सेकेंड ईयर का हुआ। कितना हुआ? सेकेंड ईयर का हुआ 8820 अमाउंट हुआ। आपको अब क्या निकालना है? सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो आप निकालेंगे सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 8820 − 8000। तो आपको सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है 820 रुपीज मिला। मिला कि नहीं मिला? ये अभी पहला नंबर का आंसर आया है, मतलब द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में उसने अमाउंट कितना पे किया? 8820, मतलब 820 रुपीज वो है इंटरेस्ट के तौर पे दे रही है सेकेंड ईयर में। फिर इसमें का क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, मतलब तीसरे वर्ष के लिए ब्याज। अब हमें यहाँ पे तीसरे वर्ष के लिए निकालना है, दूसरे वर्ष के लिए हमें अमाउंट निकालना था। द अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट हर देम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए आपको अमाउंट मिला 8820 रुपीज और इसका इंटरेस्ट भी मैंने लिखा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दिया, 820 रुपीज मिल गया। इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट सेवन का सेकेंड नंबर इसमें क्या बोला है, इतना तो आप सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड नंबर में आपको ये बोला है कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप, जब करा करिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें इंटरेस्ट यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। फिर इसमें देखेंगे आप सेकेंड नंबर, इसी का क्वेश्चन सेकेंड। अभी मैंने 820 सेकेंड ईयर का ब्याज निकाल दिया सेकेंड ईयर के लिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर यहाँ पे 820। क्या मिला? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, यहाँ पे लिखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दो वर्ष के लिए कितना मिला था हमें? 820 रुपीज ये इंटरेस्ट मिला था, आपने देखा। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालना है। अभी मैंने दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकाला था, लेकिन इसमें तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट बस लिखना है, इसने बोला है कि आपको क्या लिखना है, तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट बस लिखना है। आपको तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट निकालना है, इसमें इतना ही बोला है। अगर सपोज अगर हम 882 करते हैं और 1 × टाइम आपका 5 ही रहेगा, अपन 100 से करते हैं तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 20 आ गया। 2 से कट करेंगे 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 441 अपॉन 10। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया था। तो इस तरह भी हमारा निकाला गया। देखिए तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालने का तरीका सब। अब इनको अब इसमें SI फॉर्मूले का यूज करेंगे। अमाउंट जो हमारा सेकेंड ईयर्स का अमाउंट था वो हमारे प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। ओके तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का अमाउंट जो है
इसको लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर, प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर मतलब तीसरे वर्ष का हमारा क्या बन गया, मूलधन। तो अब देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल जो है आपका इसमें आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। अब सेकंड ईयर का अमाउंट हमारा कितना था, 8,820 रुपीज, ये हमारा सेकंड ईयर का अमाउंट था। ये थर्ड ईयर का हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। रेट आपको क्या मिला, रेट आपको मिला था 5%। अब टाइम यानी ओनली द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर मतलब तीसरे वर्ष के लिए बोला है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा टाइम होगा, वो टाइम होगा, टाइम में हम क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का बोला था तो तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए ये हम निकाल ही चुके हैं प्रिंसिपल। तो 3-2 = क्या हुआ, 1 ईयर। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 1 ईयर। तो इसमें हम एसआई फॉर्मूले से इसको निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, या लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, फार्मूला होता है आपका प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपका फार्मूला हुआ, प्रिंसिपल आपका कितना है, 8,820 इंटू रेट आपको कितना मिला था, रेट 5%, टाइम कितना मिला था, 1 ईयर मैंने यहाँ पे निकाला है अपॉन 100। आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से करेंगे 5 बन जा 5, 5 = 10 2 आ गया, 2 से कट करेंगे 2 = 4 = 8, 2 = 4 = 8, 2 = 2। तो आपका थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा ₹441 × 1 = लिखेंगे ₹441। तो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट निकला वो आपका ₹441 निकला। क्या निकला थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ₹441। कैसे आया, मैंने अमाउंट ऑफ द सेकंड ईयर जो हमारा 8,820 आया था उसको मैंने प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर ले लिया, तो प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर क्या हो गया, 8,820 रुपीज। रेट तो हमारा 5% था, टाइम इसमें तीसरे वर्ष के लिए बोला है तो थर्ड ईयर के लिए निकालना था, थर्ड ईयर में हम सेकंड ईयर के लिए पहले ही निकाल चुके हैं अमाउंट, तो 3 में 2 माइनस कर दे तो 1 ईयर आ गया। अब इसका इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए मैंने इंटरेस्ट निकाला तो PRT/100 की फार्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल आपका 8,820 आ गया, रेट आपका 5 आ गया, टाइम 1 आ गया अपॉन 100, 0 से 0 कैंसल, 5 = 5, 5 = 10 2 = 4 = 8, 2 = 4 = 8, 2 = 2 ₹441 × 1 = ₹441 आपको मिल गया। ये आपका क्या हुआ, थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट हो गया। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। तो स्टूडेंट वीडियो को आपको अंत तक देखना है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, थैंक यू, गुड बाय।